so I look at you only now. Look at me. Oh, uh, that's so, better look because. Look look at me. Hmm. Anyway, <laughs> look at up and down. And <laughs> <Good>? down. <laughs> good. to see you, Parul Ji. Uh, you know, illegal season one. हमने ये कल लोगों ने बहुत ही appreciate किया. Now बताइए कि season two में कैसा आपका experience? इस एक्सपीरियंस तो शूट करने का अच्छा ही होता है हमेशा इट्स वही रेयर कि आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है बिक एक तो हमारा काम है ही हमें सेट पे जाना है काम करना है बट ऑफकोर्स सीज़न टू आप किसी भी शो का करते हैं बेस्ट पार्टर्स कि आप उस टीम के साथ काम कर चुके हैं सो यू गेट टू वर्क विद दम अगैन एंड इट्स ऑलवेज़ नाइसर ओनली बट इस टाइम मेरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है सीज़न वन में थोड़ा कम था मेरा किरदार इस बार थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ी उसके अंदर अब पावर्स भी और हैं और थोड़ी और चीजें भी हैं जो शी यूटिलाईज मोर एज अ कैरेक्टर जो मैंने सीजन वन में नहीं की थी सीजन वन में आई वाज जस्ट द वाइफ या खुल के तो नहीं पता पर इतना है कि अभी वो अपना खुद का स्टैंड ले रही है यू सी हु देविका एज एंड क्यों देविका और अक्षय की लाइफ में या मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी पहले और किस चीज की वजह से उनकी शादी हुई थी या क्या है वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता चलती हैं सीजन टू थोड़ा सा और बताइए कि और क्या कुछ को हम किस अंदाज में देखने वाले हैं जब उनके हस्बैंड इरिटेटिंग हो तो <laughs> क्या कुछ करना चाहिए एक <laughs> नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है करना तो बहुत कुछ चाहिए <laughs> <laughs> तो तो कर तो बहुत सकती है नारी नारी शक्ति इज द सुपर थिंग राइट लेकिन वो जो करती है इसमें शी हैज़ अर ओन वेज़ कि इवन इफ दे हैव अ फाइट या फिर वर्क रिलेटेड है बट यू सी देविका पारुल एज देविका एज अ बिज़नेस वुमन आई डोंट थिंक इन मैनी अदर शोज़ हैव बिन सीन एज अ बिजनेस वूमन अम समन हूज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉ फॉर्म इन अ वे सो मेरे सीन्स जो हैं ज़्यादा पीयूष जी के साथ हैं और अक्षय के साथ हैं बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ इस बार ऑफिस लाइफ में आप मुझे देखते हैं

कि एक्साइटमेंट है है हाउ पीपल वुड लाइक इट एंड आर दे टू वॉच क्या होने वाला yeah. या पर तो, 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 तो यही hmm. है, है? है कि जैसे आपने देखा है कि आ, इस, पहले वो साथ में काम कर रहे थे नेहा पीयूष uh, जी अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं सो so, ऑलरेडी एक बड़ा वो है अचंत कौर नहीं है mm -hmm. उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले बहुत काम कर चुकी हूँ एंड देन इसमें कोई सीन साथ में नहीं है बट शी इज प्लेंग सी एम इन दस सो अचंत जी नहीं है तनुज नहीं है सो कास्ट इज ह्यूज ऑफ दिसंस मतलब अभी का ही टाइम था जब हमने किया है सेकेंड वेव के दौरान कैन आई से दैट हाँ सो ड्यूरिंग द सेकेंड वेव व्हेन वी स्टार्ट शूटिंग फॉर दिस सो अफकोर्स हार्डशिप्स तो रहे काफ़ी कि हम कैसे भी करके इस शो को बना दें क्योंकि पिछले साल से हम कर रहे थे कोशिश की जल्दी बनाया जाए जब सबकी डेट्स आई साथ में एंड वैन वी डिड इट इट द फास्टेस्ट फिनिशिंग शो फॉर मी कॉज इसके बीच में अभी दो शोज कर रही हूँ वो अब तक तो ख़त्म नहीं हुए हैं और oh. ये वाला बीच में ख़त्म होकर रिलीज़ भी हो रहा है सो इट जस्ट फेल्ट वेरी गुड सो अश्विनी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस वो इतने सालों से काम कर रहे हैं ना उन्हें पता होता था क्या शॉर्ट है कहाँ है क्या नहीं है आई डोंट थिंक हमें कभी भी कोई डीले हुआ इस सेट पर हम जाते थे वी वर ऑलवेज द क्रूव बिफोर टाइम आई नेवर हैड टू वेट ऑन द सेट वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी तो वह काम करें आप और भी ढेर सारे शो करें। तो बताइए कि, कि कितना टाइम मिलता है आपको लाइक घर के लिए नहीं नहीं एक्टर्स बहुत वक्त होता है एक्टर्स के पास हम वो बीस दिन शूट करते हैं उसके अलावा हम सिर्फ घर पे ही होते हैं बट मेरा बिकॉज बिजनेस है तो मैं अपने थोड़े बिजनेस में बिजी रहती हूँ रियल में ही बिजनेस है <laughs> रियल बिजनेस तो रियल में ही है सो बिकॉज मेरा बिजनेस भी है तो मैं थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ और जब नहीं होता तब शूट कर रही होती हूँ या डबिंग्स या मीटिंग्स या इंटरव्यूज सो इट्स एक्साइटिंग लाइफर ये उनके लिए है जिनको सीजन वन अच्छा लगा hmm. और उनके लिए भी है जिन्होंने सीजन वन नहीं देखा hmm. तो आप सीजन वन और सीजन टू साथ में देख सकते हो वोट hmm. सेलेक्ट पे सो प्लीज सब्सक्राइब Thank you.